और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट के लिए आज से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इंडिया INC के साथ बैठक की है। पूरी डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जैसा कि हमने आपको बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आज से अपने प्री बजट मीटिंग्स की शुरुआत कर दी है। हर एक सेक्टर से वो मीटिंग करती हैं, जिसमें उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे सेक्रेटरीज भी मौजूद रह रहे हैं और हर एक सेक्टर से बजट के लिए सजेशंस लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आज मॉर्निंग में भी हुई है, जिसमें इंडिया इंक प्रेजेंट थी और बहुत सारे सजेशंस भी आए हैं। जैसे कि सजेस्ट किया गया है गवर्नमेंट को कि 6.4% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इस साल का, वो गवर्नमेंट को बिल्कुल उतना ही मेंटेन रखना चाहिए और अगले साल 6% का टारगेट और उसके बाद FY26 में 4.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इंडस्ट्री ने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा CII ने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट को जो प्राइवेट स्ट्रैटेजिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर का जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, उस पर और फास्ट ट्रैक करना चाहिए उसको और दीपम को ही उसकी सोल अथॉरिटी बनानी चाहिए, ताकि लाइन मिनिस्ट्रीज से जैसे ही उन PSUs का अप्रूवल प्राप्त हो जाए स्ट्रैटेजिक सेल के लिए, उसके बाद दीपम उसको फास्ट ट्रैक करके फटाफट आगे बढ़ाए। इससे रेवेन्यू जनरेशन भी होगा गवर्नमेंट का। इसके अलावा ये भी एक सजेशन आया है कि जो टैक्स GDP रेशियो है उसको एटलीस्ट इंक्रीज करना चाहिए, ताकि 16% के ऊपर वो जा सके। ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आया है। इसके बाद केपेक्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आया है कि उसको और बढ़ाकर करीब 10 लाख करोड़ तक करना चाहिए गवर्नमेंट को अगले साल के लिए। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट सजेशन्स आ रहे हैं हर सेक्टर से जो पूरे हफ्ते आएंगे, और ये देखना रहेगा कि कौन कौन सजेशन्स गवर्नमेंट डिस्कस करती है और बजट में इनकॉर्पोरेट करती है।